नमस्ते भाइयों और उनकी बहनों। देखो, बात करते हैं डे फोर, भोला का क्या होगा। देखो, अब डे थ्री का प्रेडिक्शन भी बदल गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस एनालिस्ट लोग। ओके, तो भाई अगर 11.5 करोड़ जा रही है तीसरे दिन पे, तो क्या हम ये पकड़ के चले कि 13 से 15 करोड़ का जम देखने को मिलेगा डायरेक्ट सरप्राइजिंगली हमें संडे को। तो देखो, प्रेडिक्शन करने में बुराई नहीं है, क्योंकि गैप जिस तरीके से देखो इंक्रीज होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर देखो, सबसे पहली बात ये है कि रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, इसलिए प्रेडिक्शन हाई करना ज़रूरी भी है। क्या पता शायद सच में ये जंप मारे थोड़ा। और अगर बाई चांस ये 13 से 15 करोड़ जा रही है, तो ये 4 दिनों में कमा रही है 43 करोड़ से लेके 45 करोड़। भाई ये आराम से 100 करोड़ के ऊपर निकल लेती है फिर, अगर ऐसा होता है तो। अगर ये 15 करोड़ का जंप मारती है, जो कि मुझे लगता है अगर 11.5 करोड़ ये जा रही है, 11.5 से 12 करोड़ अगर ये जो एनालिसिस वाले इनके सही निकलते, अगर ये ऐसा होता है ना भाई, तो भाई 12 करोड़ अगर सैटरडे को आते हैं, तो भाई 15 करोड़ संडे को क्यों नहीं आएंगे, आई मीन उस अकॉर्डिंग। और अगर बाई चांस, हालांकि मेरा प्रिडिक्शन है 42 से लेके 45 करोड़ ये 4 दिनों में जाएगी। ये 4 डे वाला वीडियो है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 4 दिनों में 42 से 45 करोड़ ये जाएगी। और अगर बाय चांस ये 45 करोड़ को टच कर गई ना, तो लॉजिक लगाओ। और 65 करोड़ अगर ये कमा लेती है फिर, तो ये 110 करोड़ पे जाएगी, एंड इसको हिट का टैग मिल जाएगा मिनिमम। क्योंकि भाई देखो, ओवरसीज से एटलीस्ट 20-30 करोड़ तो आएगा, मतलब ये जा रही है 140-150 पे, ये अगर हुआ तो। लेकिन उसके लिए ये बात भूलो मत, मंडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, आई मीन ये अब 2-3 वीक रुकनी ही नहीं चाहिए। अगर ये ऐसा होता है ना बॉस, तो भाई किसी का भाई किसी की जान तक भी ये रहेगी, और उसके बाद भी ये रहने के चांसेस है। इसके लिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जो लोग संडे को नहीं जा पाएंगे बाय चांस, वो मंडे पे टूट पड़ो। जो मंडे को नहीं जाने वाले, वो ट्यूसडे पे टूट पड़ो। ट्राई ये करो कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ये मूवी, क्योंकि आप देखो हॉलीडे नहीं होंगे, 5 करोड़ के नीचे नहीं आनी चाहिए, ये ट्राई रखो। अगला मतलब मैं अगले वीक की बात करो, एट प्रेजेंट ये 4 दिनों का ही वीडियो है, टेंशन ना लो, मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो 4 दिनों में ये 45 करोड़, 42 करोड़ से लेके 45 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग जा रही है, विच इज़ क्वाइट गुड। लेकिन इसको जस्ट होप करो कि सैटरडे का वो जो एनालिसिस है उन लोगों का वो सही आता है, और तब जाके ये संडे को उतना जम मारेगी, और तभी जाके ये आपको मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे को भी इसको गिराना नहीं है 5 करोड़ के नीचे। एक बात मैं बॉलीवुड की बता देता हूँ, जो लोग फेक कलेक्शन बोलते हैं ना, फेक कलेक्शन वगैरह, आज मैंने 3 वीडियो चेक किए बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम पर। 3 मूवीज़, भेड़िया जो मूवी 4 महीने पहले रिलीज हो चुकी है लगभग, उसको आज तक बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया, ना हिट, ना फ्लॉप, ना एवरेज, ना सेमी हिट, ना डिजास्टर, ना ब्लॉकबस्टर, ना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इससे समझ में आता है कि बॉलीवुड कितना नीचे जा चुका है। भेड़िया को 4 महीने हुए, अभी तक वर्डिक्ट क्यों नहीं दिया इन लोगों ने। दूसरी बात, ब्रह्मास्त्र को भी बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम ने अभी तक नहीं दिया इन लोगों ने वर्डिक्ट। और तीसरी, जुग जुग जियो, इस मूवी का बजट था 150 करोड़, बाद में करण जौहर ने ऑफिशियल इंटरव्यू में बोला इसका बजट 85 करोड़ है, और ओपनली उसका जो बजट था ऑफिशियली, वो धर्मा प्रोडक्शंस के एक इंटरव्यू में खुद करण जौहर ने बोला था 140 करोड़ बजट है, विकिपीडिया में भी 150 करोड़ लिखा हुआ है, वो झूठा नहीं है बजट। वो मूवी लगभग सिर्फ 85 करोड़ कमाई है भारत में, और ओवरसीज से पता नहीं इन लोगों ने कैसे जादू से कलेक्शन कर लिया, वहाँ से 50 करोड़ आया ऐसा ये लोग बोलते, मतलब 135 से 140 करोड़ वो गई है ऐसा इनका कहना है। अगर ये सच होता तो बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट तो आता, तीनों भी मूवीज़ में वर्डिक्ट नहीं आया है। लाइगर डिजास्टर गई है, लाइगर का वर्डिक्ट आया है, क्यों भाई? इतना पैसा करण जोर खिलाता है क्या कि बॉक्स ऑफिस इंडिया को कि वर्डिक्ट ही नहीं दिया? तीनों भी मूवीज़ आज तक पता नहीं क्या हुआ है, भेड़िया अभी तक OTT पे क्यों नहीं आई, यही कुछ इनका झमेला हुआ है, झगड़ा वगड़ा मैंने सुना है। तो भाई देखो, भेड़िया, ब्रह्मास्त्र, ओके, और जुग जुग जियो अभी भी नहीं वर्डिक्ट आया, इसका मतलब आप समझ लो बॉलीवुड तीनों भी मूवीज़ को एक्चुअली फ्लॉप है वो लोग, वो मूवीज़, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। वर्डिक्ट नहीं आना भाई, इससे पहले वर्डिक्ट चार चार, अरे भाई चार चार वीक में आ जाता था वर्डिक्ट कि भाई मूवी हिट है या फ्लॉप है। इतने जल्दी तो सेल्फी और शहजादा की तो वर्डिक्ट आ गए, सेल्फी डिजास्टर गई, शहजादा फ्लॉप गई, अभी तक बाकी मूवीज़ के वर्डिक्ट क्यों नहीं आए? मतलब शायद अगले साल ये लाएंगे क्या वर्डिक्ट, एडिट वेडिट करके, पैसा वैसा दे के,
वही तो प्रॉब्लम है फिर। वैसे तो फिर अजय देवगन सर ने भी रनवे 34 को वर्डिक्ट ही नहीं आने देना चाहिए था। करो ना भाई इसके जैसी चीटिंग करो, ज़्यादा ऑनेस्टी भी शायद कभी कभी अच्छी नहीं होती, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। बट स्टिल इट्स अ गुड पॉजिटिव पॉइंट अबाउट भोला। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि कैसे बॉलीवुड एट प्रेजेंट इतना गिर चुका है। और बात गिरने की नहीं है भाई, इनके मूवीज़ ही हिट नहीं होते, बॉलीवुड वाले इतने ख़राब हो चुके हैं अब कि भाई पठान का क्वेश्चन मार्क है। बहुत से लोग ये बोलते हैं ऐसा कलेक्शन है वैसा कलेक्शन है, मैं ये मान के जाता हूँ कि चलो ये वो रियल है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, लेकिन बाकी तू झूठी मैं मक्कार को छोड़ दो तो बाकी बॉलीवुड ने क्या तीर मार लिया, कुछ भी तो नहीं किया इन लोगों ने, रीमेक पे रीमेक रीमेक पे रीमेक तो ये कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि कुछ होने नहीं वाला है बॉलीवुड से, अब ये बस रीमेक बनाएंगे। और इनको अब आदत है फेक कलेक्शन फेक बजट दिखाने की, ये लोग बजट कम कर देते हैं, लास्ट मोमेंट पे बोल देते हैं कि भाई नहीं नहीं मूवी तो 150 करोड़ में नहीं, 80 करोड़ में बनी थी, यही है भाई रियलिटी। और बाद में ये बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट नहीं देता है, क्यों नहीं दिया वर्डिक्ट, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसका मतलब शायद भेड़िया वॉज फ्लॉप, ब्रह्मास्त्र वॉज फ्लॉप एंड जुग जुग जियो वॉज फ्लॉप टू, बट क्योंकि वर्डिक्ट नहीं है उसका, अभी ये नहीं बोल सकते आप लोग हीट है या फ्लॉप है, पर एक एक साल हुआ है कुछ मूवीज़ को, जुग जुग जियो को 6-7 महीने हुए, अभी तक वर्डिक्ट क्यों नहीं आया। मतलब रियलिटी ये है कि वो फ्लॉप है, वो बाद में आप सेटिंग वेटिंग करके बॉक्स ऑफ इंडिया से वर्डिक्ट लेंगे भी नहीं शायद। और ये बहुत शर्म की बात है कि बॉलीवुड इतना गिर चुका है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि फ्लॉप है, बजट कम है बोल रहे। अरे भाई एक मूवी बन चुकी है, उसको तुमने पैसा ऑलरेडी दे दिया है, अब कैसे बोल सकते हो बजट कम है मूवी का, पागल समझते होगा ऑडियंस को। मतलब विकिपीडिया लॉक करके रखी है इन लोगों ने भेड़िया की, शर्म की बात है मेरे भाई, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इनके बारे में बस। मतलब हाँ एनीवेज ये भेड़िया का नहीं सॉरी ये भोला का ही वीडियो है, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। पर ये शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, भोला अच्छा चल रही है, पर इसको संडे ठीक है लेकिन मंडे ट्यूसडे वेनसडे अच्छा करना पड़ेगा। शेयर करो वीडियो को।